मुजफ्फरपुर में रामनवमी पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने आज शहर में एसडीओ पूर्वी व डीएसपी नगर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि रामनवमी पर विधि व्यवस्था के मद्देनजर जिले में कई जगहों पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस जवान व पदाधिकारी की तैनाती की गई है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि ससमय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। सभी पदाधिकारी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतेंगे, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई करेंगे व विधि व्यवस्था बनाए रखेंगे। वहीं स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से भी जगह जगह निगरानी रखी जाएगी, साथ ही साथ शांति समिति के सदस्य भी महत्वपूर्ण जगहों पर मौजूद रहेंगे। वहीं स्वास्थ्य, अग्निशमन आदि विभागों को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं डीएसपी ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप के माध्यम से संदेहास्पद सूचनाओं के आदान प्रदान पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके द्वारा अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। इस बार सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जिसके तहत संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के अलावा जुलूस के साथ भी पुलिस टीम रहेगी व बाइक से QRT की टीम भी निगरानी करेगी। हम लोग शांति समिति की बैठक भी किए हैं और 30 तारीख को जो रामनवमी का हम लोग का जुलूस और शोभा यात्रा निकलेगी, उसी के लिए सभी जो सेंसिटिव जगह हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं और अन्य जो भी विधि व्यवस्था है, बिजली से संबंधित पोल है या अन्य प्रकार कोई भी समस्या होगा तो आज लोकेट हम लोग कर लेंगे और उस समस्या समाधान के लिए ऑलरेडी हम लोग आदेश निकल गया है, उसी को देख लेंगे। नहीं तो जितना इम्पोर्टेंट जगह जो है ना सेंसिटिव प्लस सभी जगह CCTV कैमरा ऑलरेडी स्थापित है और जो स्मार्ट सिटी का है उसके अलग से हम लोग वीडियोग्राफर कर देंगे, वहाँ के दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी भी हैं और जो भी अग्निशमन हेल्थ डिपार्टमेंट है और बिजली विभाग है सभी अलर्ट मोड पर है। प्रोसेशन को लेकर क्या देखा? प्रोसेशन भी बड़ी संख्या में प्रोसेशन जो भी प्रोसेशन होगा तो उसके साथ दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल और साथ ही जो एस्कॉर्ट है, जो जवान बाइक वाले हैं, बाइकर्स हैं, सभी के साथ कोई भी जुलूस जो है खाली नहीं रहेगा, उसके साथ सभी की जगह मजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी और बाइकर्स का जो टीम है सबको एस्कॉर्ट किया जाएगा और जो भी जिला शांति समिति के सदस्य हैं तो उन लोगों को भी हम लोग सभी इम्पोर्टेंट जगह प्रश्न को उपस्थित रह के और शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस और जनता बस्तर पर ले जाने का हम लोग अनुरोध किए और पहले से भी उन लोग काम शांति समिति से करते रहे, लोग इस बार भी करेगा और आशा है कि शांतिपूर्ण ढंग से इस बार भी होगा। रामनवमी त्यौहार के अवसर पर तो जान रहे हैं कि ये हिंदू धर्म का है सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और राम के नाम पर ये आस्था का त्यौहार है और एक मर्यादा का त्यौहार है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के अवसर के जन्मदिन या जो भी उनके पूजा पाठ के अवसर पर ये जुलूस निकाला जा रहा है तो पीस कमेटी की बैठक भी इस शांतिपूर्ण रामनवमी का जुलूस संपन्न हो इसके लिए प्रत्येक थाना में पीस कमेटी की बैठक की गई। जो संवेदनशील स्थल था उसमें अलग से पीस कमेटी की बैठक की गई है और जो भी संवेदनशील स्थल था उसको चिन्हित किया गया है। जिलाधिकारी महोदय और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का संयुक्त आदेश निकाल करके संवेदनशील स्थलों पर बल की प्रतिनियुक्ति, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है प्लस इसके अलावा QRT टीम जो बाइक से गाइड करेंगे लोगों को इधर से उधर और मान लीजिए जुलूस निकल गया पीछे इलाका खाली होगा उसमें भी बाइकर लगातार मूवमेंट में रहेंगे और बाइक से भी निगरानी रखी जाएगी प्लस जितने भी जुलूस निकलेंगे उसके साथ अस्थायी रूप से भी बल का प्रयोग रहेगा। तो तीन स्तर का इसमें बल लगाया गया है, एक तो जुलूस के साथ चलेगा, एक संवेदनशील स्तर पर प्रतिनियुक्त रहेगा और एक बाइक से उन लोगों को गाइड करेगा। इस तरह से जुलूस की निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर किस तरीके से, खासकर उपद्रवियों पर किस तरह? देखिए सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है, ऐसे साधारण दिनों में भी हम लोग सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं, निगरानी रखी जाती है और इस स्तर पर हेडक्वार्टर जिला स्तर पर जिला हेडक्वार्टर में एक टीम भी गठन किया गया है जो कि लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। और मैं आप लोगों से माध्यम से लोगों से आग्रह भी करूँगा कि यदि कोई अफवाह उड़ता है तो उसके पीछे न जाएं, उसका सत्यापन करें और वरीय पुलिस महोदय पुलिस लोगों को संपर्क करें, हम लोगों को संपर्क करें, दंडाधिकारी से संपर्क करें, जिला कंट्रोल रूम को संपर्क करें ताकि उस पर सख्त कार्रवाई और अविलंब कार्रवाई की जा सके। आज क्या कुछ किया जा रहा है? अभी हम लोग रामनवमी के त्यौहार पर जो जुलूस निकलने वाला शांतिपूर्ण जुलूस निकले इसी के लिए हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकालने वाले हैं जो कि पूरे अनुमंडल क्षेत्र में घूमेगा।